कर्नाटक में इस समय क्या नाटक चल रहा है उससे हर कोई वाकिफ है। वहाँ बीजेपी की रणनीति देखकर अलग अलग दल बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। जानकारी के अनुसार अखिलेश ने ट्वीट के जरिए कहा है कि कर्नाटक में चल रहे हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी नेता बी एस येदुरप्पा ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले ही ली, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस बीजेपी के इस कदम को पहले ही लोकतंत्र की हत्या करार दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने नाम ना लेते हुए बगैर येदुरप्पा के शपथ को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की चली हलचलों के इशारों में इस सत्ता की हनक और जमीर की मंडी सजाने का नाम इन्होंने दिया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि आज फिर लोकतंत्र शपथ ली जाएगी, आज फिर एक बार और हत्या की जाएगी, आज फिर सत्ता की हनक दिखाई जाएगी, आज फिर जमीर की मंडी सजाई जाएगी, आज फिर आज़ादी थोड़ी और मर जाएगी। जाहिर है कि जो कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए राजनीति हुई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। कर्नाटक में किसकी सरकार रहेगी यह कह पाना भी मुश्किल लग रहा है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।